अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और आज का ये मेरा व्लॉग है लांडी स्टेशन का, और लांडी स्टेशन के बाद हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला कायदाबाद मार्केट का विज़िट करेंगे ज़रूर। और ये आपको सामने जो रेल की पटरियाँ नज़र आ रही हैं, ये लांडी जंक्शन से आ रही हैं, और इसके दूसरी साइड देखें आप कितनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, और यहाँ पर लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा है। और जो लोग दुकानदारी करना है वो तो चलो अलग सी बात है, और यहाँ पर लोग बैठ कर गपशप कर रहे हैं। ये देखें इस वक्त ट्रेन की पटरियों पर भी लोग बैठे हुए हैं, और जब ट्रेन आती है तो ये हट जाते हैं और फिर दोबारा से यहाँ बैठ जाते हैं। ये अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं आपस में गपशप लगा कर, देख सकते हैं आप। तो अब हम इस वक्त बिल्कुल मेन लांडी जंक्शन पर खड़े हैं इस वक्त, और आपको ये सामने बोर्ड भी नजर आ रहा होगा लांडी जंक्शन का, ये देखें आप। और ये साथ ही ये इंजन है, और इंजन के साथ ये जो है ऑयल से भरा हुआ इंजन है ये, और ये भी अब कुछ देर में रवाना हो जाएगा यहाँ से। आप देख सकते हैं यानी जिस तरह की ट्रेन होती है, जैसे मुसाफिर ट्रेन होती है उस तरह की ये ट्रेन है, लेकिन ये ऑयल लेके जा रही है ट्रेन, यानी इंजन, आई थिंक यही बोलते हैं इसको, इंजन। और ये देखें आप, एक मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ कि इसके अंदर ऑयल है, ऑयल जा रहा है। और इसके अलावा ये देखें, ये ऑयल लिखा हुआ है इस पर, ये देखें, काफी खूबसूरत लगती है ये जगह भी। लांडी जंक्शन से कायदाबाद मार्केट तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, वो भी पैदल, और यानी बहुत ज़्यादा करीब है लांडी जंक्शन से कायदाबाद मार्केट। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ बनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। जो जगह आपको नजर आ रही है, और साथ में ये ब्रिज भी नजर आ रही होगी आपको, तो इस ब्रिज के सीधे हाथ में जो है कायदाबाद है, और इस ब्रिज के उल्टे हाथ पे जो है वो दाव चुरंगी है। और इसके अलावा ये जो रेल की पटरियां हैं, दोनों यानी रेल की जो पटरियां हैं, पटरियों के सीधे हाथ पे भी मार्केट है, और पटरियों के उल्टे हाथ पर भी मार्केट है। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त लोगों का किस हद तक हजूम है, किस क्या फायदा है। तो जनाब अब आपको बहुत दूर से एक रोशनी नजर आ रही होगी, अचानक से ये रोशनी नमूदार हुई है, आप देख सकते हैं। और ये रोशनी बता रही है कि अब ट्रेन आने वाली है, तो लांडी जंक्शन से जो ट्रेन गुजर रही है हम वो भी देख सकते हैं आराम से। अब उससे थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन पहुंच जाएगी। ट्रेन की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ब्रिज व्यू भी आप देख सकते हैं, ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं मुसलसल ब्रिज से। और ये देखें जनाब, ट्रेन आपको नजर आ रही होगी अब बिल्कुल साफ साफ, ये ट्रेन चल पड़ी है।
इतना दूर से लांडी स्टेशन दिखा रहा था, ट्रेन दिखा रहा पूरा हो गया। तो जनाब अब हम बाजार की तरफ जा रहे हैं। इतनी देर से तो मैंने आपको दूर से दुकानें दिखाई थी, अब हम दुकानों के करीब जाकर बाजार दिखाते हैं आपको। और ये देखिए आप यहाँ का व्यू। तो जनाब ये मार्केट जो आपको नजर आ रही है इस पर, ये कायदाबाद मार्केट है। और यहाँ पर देखें कपड़े वगैरह लगे हुए हैं। और ये ब्रिज के नीचे ही सारी दुकानें देख सकते हैं आप। और मैंने इसमें वॉइस ओवर तो किया है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल कम नहीं किया है, ताकि आपको बाजार का शोर अच्छी तरह सुनाई दे। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी इस वक्त रश इतना नहीं है, रश थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि अब शाम होने को है। तो जनाब ये जो हुमायूं गुज्जर नज़र आ रहा है आपको, ये वहाँ पर बाजार के अंदर ही ये सिनेमा हॉल है, आप देख सकते हैं। और अब ये जो सामने आपको ये जो रोड चलती हुई नज़र आ रही है, इस रोड से ही थट्टा और कैली जाते हैं हम। और ये रोड के पार ही सारी की सारी दुकानें जो हैं, ये कायदाबाद की मार्केट ही चलाती है। तो जनाब आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जाते जाते बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ही अमान अल्लाह।